এখানে কি এই করলে মিনিমাম কি অবস্থা নাকি ভালো हो गया, आवाज आ रहा है सबको क्लियर? कोई थोड़ा जवाब दो। ठीक है, साथ ज्वाइन कर लिए। आवाज क्लियर आ रहा है ना? बोर्ड क्लियर दिख जाएगी हो गए। बंद करो थोड़ा। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी को हमारे ऑनलाइन क्लास पीआर क्लासेस में पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन है। कल का फीडबैक थोड़ा और देखते हैं। कल हमने जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा इसे कि यदि आप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दो चीजें मुख्य, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा में दो प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो है प्रारंभिक परीक्षा में दो प्रश्न पत्रों में से जो पहला प्रश्न होता है वह इसमें जीएस जो सामान्य अध्ययन से संबंधित होता है, और इस सामान्य अध्ययन के अंतर्गत प्रश्न पत्र एक के दो भाग होते हैं, भाग एक और भाग दो, पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो इसमें जो है पार्ट वन मोस्ट टाइम इसलिए है कि इसमें जो भाग पार्ट वन में जो है इसमें 50 क्वेश्चन जो होते हैं सिर्फ 50 प्रश्न जो है इसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए इसमें हमने इस बार का जो सिलेबस बनाया है, मतलब हमारा जो क्लास का जो मेन उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ से एक भी क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, तो ये मोस्ट टाइम पे हो जाता है कि आपको 50 प्रश्न जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित ही पूछे जाते हैं। और यदि हम भाग दो की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो है संपूर्ण भारत का सामान्य अध्ययन और इसमें जो है संविधान, भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल जैसे प्रश्नों को आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी मोस्ट टाइम पे दोनों मिला के लगभग 100 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्न पत्र एक के अंतर्गत। इसीलिए छत्तीसगढ़ को पहला हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल कर सकें। यदि प्रश्न पत्र दो की बात करते हैं तो प्रश्न पत्र दो में जो है प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पत्र अंतर्गत जो है आपको इसमें भाग एक के अंतर्गत गणित, तर्क शक्ति, संचार कौशल यहां से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें जो है हिंदी भाषा इसी प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा का भी समावेश किया गया है। प्रश्न पत्र दो की बात यह है, खास बात यह है कि इसको अब क्वालिफाइंग किया गया है। इसके मार्क्स जो हैं प्रश्न पत्र दो एक के साथ ऐड नहीं किया जाता है, इस क्वालिफाई रहता है। इसमें आपको
जो है जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 33% अंक निर्धारित किया गया है और एसटीएससी ओबीसी और जो दिव्यांग कैटेगरी है उनके लिए 23% अंक लाना अनिवार्य किया गया है प्रश्न पत्र 2 में। ये जो है सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए ही किया जाता है प्रश्न पत्र 2 को, इसमें फेल होना नहीं है। तो इसमें जो है हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा को हम इसमें ज्यादा फोकस रखेंगे, उसके बाद गणित तर्क शक्ति और संचार कौशल से संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। इसको हम शाम का जो 7 बजे वाला सेशन है उसके लिए हम लोग उस कोर्स को डिजाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि शाम को गणित तर्क शक्ति संचार कौशल और हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में चर्चा कर सके। ये तो होगा प्रारंभिक परीक्षा। मुख्य परीक्षा का कल चर्चा कर चुके हैं, आज कुछ बच्चे डाउट कर रहे थे उसके लिए थोड़ा सा इस सेशन को हम लोग लिए थे। हाँ, कल हमने क्या क्या पढ़ा? पहला तो छत्तीसगढ़ का नामकरण, कहाँ से हमारा छत्तीसगढ़ हुआ उसके संबंध में चर्चा की है। फिर प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, इसके अंतर्गत हमने कल क्या क्या देखा? प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, राणा काल के क्या साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में हमको प्राप्त हुए हैं उस, और फिर महाभारत का, महाभारत से संबंधित हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में क्या क्या हमको साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में भी हमने कल इसका चर्चा किया था विस्तार से। तो प्रागैतिहासिक काल इतिहास का जो है प्रथम चरण माना जाता है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में जो है लिपि और तुम्हारे भाषा का विकास नहीं हुआ था, और उस समय के जो मानव थे उनके द्वारा जो लिखी गई थी जो भी लिपिबद्ध किया गया था उसको कभी भी आज तक पढ़ा नहीं जा सकता है। इसके अंदर किसकी सभ्यता आती है? सिंधु घाटी की सभ्यता, और यह सभ्यता हमारे छत्तीसगढ़ में उसके साक्ष्य हमको नहीं मिले थे। आद्य ऐतिहासिक काल जहां पे लिपि का विकास हो चुका था, है ना, भाषा का भी विकास हुआ था, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, उसके बारे में संबंध में हम चर्चा किए हैं पिछले क्लास में। महारामायण काल में जो रामगमन पद है उसमें एक करेक्शन करना है, वर्ष का एमपी है, कल उसको हम लोग ध्यान दे नहीं पाए। जो सीतामणि हर चौका दिया था ना कल, पहला हम लोगों का सीतामणि हर चौका, इसको थोड़ा करेक्शन कीजिए आप लोग। ये जो है पहले जो 4 जिले कहा था? कोरिया में, लेकिन आज क्या हो गया? कोरिया को 2 जिलों में भी फिर से बनाया गया है। कौन कौन सा? ये चिरमिरी भरतपुर वाला, मनेंद्रगढ़, अब ये इस जिले के अंतर्गत आ गया है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो। सीतामणि हर चौका जो है अभी वर्तमान में भरतपुर, मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी जिले में आता है, इसको थोड़ा करेक्शन आप लोग कीजिए। Thank you.
आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। हमारे छत्तीसगढ़ में जो है बौद्ध धर्म के क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, और यहाँ से प्रतिवर्ष जो है सीजीपीएससी में प्रश्न पूछे भी गए हैं, तो इसका किस तरह से प्रभाव रहा हमारे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से, और यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य इसके प्रमुख जो अभिलेख हैं, जो भवन निर्मित किए गए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात जो है, बौद्ध धर्म एक प्रमुख ग्रंथ है अवदान शतक। एक है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ है अवदान शतक। इस अवदान शतक में जो है गौतम बुद्ध का सिरपुर, सिरपुर मतलब महासमुंद के पास, महासमुंद जिले में जो स्थित है श्रीपुर, जिसको श्रीपुर भी कहा जाता था, यहाँ पे आना इसमें उल्लेख किया गया। अवदान शतक जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस बौद्ध धर्म जो है गौतम बुद्ध को माना गया है कि उस समय तत्कालीन समय जो गौतम बुद्ध थे वो सिरपुर निवास पर आए थे। सिरपुर जो कि कहाँ स्थित है वर्तमान में महासमुंद जिले में, मोस्ट एम्पी यह एक पुरातत्विक ऐतिहासिक शहर है अभी आज के डेट में, और प्रतिवर्ष जो है वहां पे कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, सिरपुर महोत्सव। तो ये मोस्ट एम्पी है अवदान शतक, मतलब प्रश्न यहां से पूछेगा कि किस ग्रंथ में उल्लेख है कि गौतम बुद्ध सिरपुर या छत्तीसगढ़ में उनका आगमन हुआ था, तो उस पुस्तक का नाम क्या है, अवदान शतक। ये पहला मोस्ट एम्पी, ठीक है ना। दूसरी बात, जो छठवीं शताब्दी में जो है इनके जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं उनको कहा जाता है बौद्ध भिक्षु। तो एक बौद्ध भिक्षु थे आनंद प्रभु, अभी भी सिरपुर में उनका आश्रम स्थित है, आनंद प्रभु कुटी बिहार कहा जाता है। तो आनंद प्रभु जिले के अंतर्गत आता है महासमुंद जिला, मतलब तो जगह का नाम भी पूछता है या फिर जिले का नाम पूछा जाएगा। तो छठवीं शताब्दी में जो है आनंद ये बौद्ध धर्म संबंधित है, ये वर्तमान में कहां पर स्थित है, सिरपुर, और सिरपुर किस जिले में स्थित है, महासमुंद में। ये माना जाता है कि छठवीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था, छठवीं आनंद प्रभु इनके जो गौतम बुद्ध के भिक्षु थे बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभु, उनके नाम से यहाँ पे सिरपुर में आनंद प्रभु कुटी विहार सिरपुर में आज भी अवस्थित है। ये तो हो गया दो प्रमुख बातें। हमारा जो सिरपुर है सबसे पहली बार जो है भारत के नक्शे में कब आया, 639 ईसा पूर्व, मोस्ट टाइम भी 639 ईसा में एक चीनी यात्री थे वेनसांग, मोस्ट टाइम थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम में इस क्वेश्चन से आपको भेज सकते हैं, मतलब कभी पूछ लेते हैं सीजी व्यापम हो या सीजीपीएससी हो। 639 ईसा में जो है ये आए थे कौन, एक चीनी यात्री वेनसांग। इनकी एक रचना थी
इनके प्रमुख रचना क्या है? सी यू की इनके प्रमुख रचना की एक पुस्तक थी सी यू की। इस सी यू की में जो है इन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के लिए किया स्लो शब्द का उपयोग किया था। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए इन्होंने क्या शब्द उपयोग किया था? किया स्लो। अब देखो वो आदमी था चीनी यात्री, चीन से आया था, एक बौद्ध भिक्षुक था, ये भारत क्या करने आया था? पढ़ने आया था। नालंदा जो विश्वविद्यालय है बिहार में, है ना, आपके बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय, वहां पे ये पढ़ने आया था। कौन? वेंगसांग। उसके बाद इसने क्या किया कि पूरा भारत भ्रमण किया था, और भारत भ्रमण के अंतर्गत ही जब ये कलिंग तीर आया, कलिंग मतलब उड़ीसा भुवनेश्वर है ना, जब ये मगध से बिहार से आया कहां पे? कलिंग। तो कलिंग आने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ से होते हुए ये उड़ीसा जाते हैं। उड़ीसा बॉर्डर इसी में लगा हुआ है, हम लोगों का उत्कल प्रदेश कहा जाता था उस समय उड़ीसा को। तो जब ये हमारे रास्ते से आया तब ये क्या कर रहा था कि जहां जहां भी गौतम बुद्ध के अभिलेख थे या फिर उनसे संबंधित कोई भी साक्ष्य थे उन जगहों पर जाता था और उनके बारे में वो अपने पुस्तकों में उल्लेख करता था। तो उसकी जो मुख्य पुस्तक थी सी यू की, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र को क्या सुनो, हो सकता है कौशल को अपने चीनी भाषा में लिया लिखा होगा क्या सुनो बोल के, वहीं से अपभ्रंश बना क्या कौशल, कौशल को अपने भाषा में क्या लिखाइए क्या सुनो। मतलब चीनी यात्री के अनुसार हमारे जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से भी उस समय आते थे और महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्से आते थे, तो उन हिस्सों को इसने क्या कहा था? क्या सुनो। क्या सुनो किसका नाम था? छत्तीसगढ़, वर्तमान छत्तीसगढ़ मतलब दक्षिण कोश। तो इसने क्या किया 639 ईसा में पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ में आया था। कौन? चीनी यात्री वहन रही है मोस्ट टाइम पे। और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं सी यू की किसकी रचना है, पहला क्वेश्चन वेंगसांग की रचना है। वेंगसांग किस कहां से आया था? चीनी यात्री था। और प्रथम बार जो है चीनी यात्री वेंगसांग हमारे छत्तीसगढ़ में आया था 639 ईसा में। तो ये तीनों, यहां से तीन क्वेश्चन बनते हैं, तीनों क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हो गया हमारा। देखिए छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं दक्षिण कौशल की, तो दक्षिण कौशल में जो मुख्य रूप से आता है हमारा रतनपुर वाला हिस्सा और रायपुर शाखा है ना, और बस्तर उस समय जो है अलग राज्य के रूप में ही स्थापित था। जो बस्तर राज्य था हमारा उत्तर कांकेर, उत्तर बस्तर कांकेर से लेकर दंतेवाड़ा तक, ये पूरा अलग राज्य के रूप में उस समय स्थापित था। और वहां से रतनपुर और रायपुर शाखा अलग होता था कलचुरियों से। इसको हम मध्यकालीन जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो उस समय जो प्रमुख प्रमाण हमको बौद्ध धर्म से हमारे छत्तीसगढ़ में प्राप्त होते हैं, पहला तो औदान शतक, ये बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, और इसमें जो है सिरपुर का उल्लेख हमको मिलता है। मतलब उस समय बौद्ध मतलब बुद्ध धर्म के लिए बहुत अच्छा केंद्र रहा होगा उस समय तत्कालीन समय में जो सिरपुर था, और वहां के जो राजा थे वो लोग बौद्ध भिक्षुओं को मानते थे कि मतलब उनके लिए स्वास्तिक विहार का भी निर्माण किया गया ऐसा माना जाता है। जैसे नागार्जुन के बारे में आप लोग सुने होंगे, नागार्जुन एक प्रख्यात केमिस्ट थे हमारे, उनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो अभी भी सिरपुर में नागार्जुन गुफा स्थित है, जहां पे दलाई लामा कुछ साल पहले आए थे अपना ध्यान करने के लिए, आज भी नागार्जुन गुफा के नाम से वो प्रसिद्ध है। और उनका जो रचना था उन्होंने लिखा था माध्यिका सूत्र, तो उसमें उल्लेख मिलता है कि वो मतलब छत्तीसगढ़ का जो है सिरपुर वाले हिस्से में उन्होंने अपने निवास स्थान को परिचित कराया था। ये भी मोस्ट एमपी है। तो ये तत्कालीन समय में थे जब बौद्ध धर्म के समय था, इसलिए नागार्जुन भी मोस्ट है हमारे इतिहास में। ठीक है, आनंद कुटी, आनंद प्रभु कुटी विहार सिरपुर 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ये वर्तमान में कहां पे स्थित है? जिले के अंतर्गत आता है। तीसरा जो मोस्ट एमपी है 639 ईसा में चीनी यात्री वेंगसांग, इनकी जो प्रमुख रचना थी सी यू की,
और इसके अंतर्गत जो है इन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ का नाम क्या दिया है, किया सुरो। ये तो हमारे मैदानी क्षेत्र की बात आती है ना, तो बौद्ध विहार के रूप में अभी जो प्राप्त हुआ है मोस्ट एंपी है। अभी ये नया क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक ये पूछा नहीं गया है। जो बौद्ध विहार कहा जाता है, जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं ना, उनके रहने के लिए जो स्थान निर्धारित किया जाता है उनको बौद्ध विहार बोला जाता है। तो वहां पे एक जगह हमारे छत्तीसगढ़ में भोगापार, ये आता है कुंडा गांव के अंतर्गत। भोगापाल यहाँ पे जो है कई सारे बौद्ध विहार हमको अभी भी देखने को मिलते हैं, यहाँ पे संरक्षित किया गया है। ये नया क्वेश्चन है अभी तक का, यहाँ से कुछ भोगापाल एक पुन्ना गांव का एक स्थान है जहाँ पे बहुत सारे बौद्ध विहार अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। रहते हैं सम्राट अशोक, इनको कौन नहीं जानते हैं, मौर्य वंश के प्रतापी शासक थे सम्राट अशोक। और जब कलिंग युद्ध के पश्चात जो है इनका हृदय परिवर्तन हुआ और ये क्या किए थे, बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे और अपने जो पुत्र थे महेंद्र और संगमित्रा, उनके पुत्र और पुत्री, उनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे, श्रीलंका, है ना। तो ये क्या थे, बौद्ध धर्म लेने के बाद इन्होंने कई जगह पर जो है बौद्ध भिक्षुकों के लिए शास्त्रिक विहार का निर्माण किया था, जिनको बौद्ध स्तूप भी कहा जाता है। तो उसी के अंतर्गत जो है ऐसे इतिहासकार मानते हैं कि जो सिरपुर वाला जो आसपास क्षेत्र है वहां पर भी सम्राट अशोक ने लगभग 1000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया था, लेकिन अभी तक उसका कोई प्रमाण नहीं मिला, मतलब खुदाई में प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन जो इतिहासकार उन्होंने पुस्तक लिखा है, और सिरपुर का जो है क्या बोलना चाहिए, वहां का जिस तरह से समृद्धि था, जिस तरह से उस समय सिरपुर अपने चरम सीमा पर था, तो उस समय माना जाता है कि सम्राट अशोक द्वारा भी वहां पर बौद्ध विहार का निर्माण किया गया था। ये मोस्ट एम्पी है, इतने आपको इम्पोर्टेंट है बौद्ध धर्म से संबंधित ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको वहन सान का नाम तो भूलना ही नहीं, किसी न किसी छत्तीसगढ़ के एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा। अब देखते हैं जैन धर्म, ये तो हो गया बौद्ध धर्म। जैन धर्म से संबंधित ठीक है, जैन धर्म संबंधित क्या क्या साक्ष्य हमको छत्तीसगढ़ से प्राप्त होते हैं, ये भी एक मोस्ट आईएमपी हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म की क्या क्या साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। सबसे पहली बात जो है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे, देखिए जो जैन धर्म में जो हम लोग जैसे पूजा पाठ करने वालों को ब्राह्मण मानते हैं, क्रिश्चियन में जो है पादरी होते हैं, सब अलग अलग होते हैं ना, तो जैन धर्म में जो है जो उनके प्रमुख जो व्यक्ति रहते हैं है ना, उनको तीर्थकर कहा जाता था। और जैन धर्म में जो है अंतिम तीर्थकर कौन हुए, महावीर स्वामी 24वें नंबर के, उसके बाद इस प्रथा को वहां पे खत्म कर दिया गया। तो प्रथम तीर्थकर थे जो जैन धर्म के, उनका नाम है ऋषभदेव।
भारतीय इतिहास जब हम अध्ययन करेंगे तो उसके बाद उसमें पढ़ेंगे किस तरह से तीर्थंकर बने और कौन कौन बने, पूरे 23 या 24 का पूरा पढ़ेंगे उसमें। तो इसमें हमको जानना है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, माने जाते हैं गुंजी। गुंजी कहाँ पे है वर्तमान में? जांजगीर चांपा, देखना पड़ेगा। आप शक्ति में आ गया होगा तो फिर वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो ऋषभदेव कहाँ पे इनका माना जाता है? गुंजी और दमोदरा। अभी भी आप देखे होंगे मतलब जांजगीर चांपा तरफ जाने से वहां पे बहुत मानते हैं इनको, है ना। तो प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव हमारे छत्तीसगढ़ में, गुंजी एक स्थान है जहां पे आज भी इनकी पूजा की जाती है और प्रमुख रूप से इनकी मतलब इनको स्थापित भी वहां किया गया है। तो इसके बारे में हमको जो इनके प्रथम तीर्थंकर थे उनका संबंध हमारे छत्तीसगढ़ से कहां से है? गुंजी, जो कि वर्तमान में जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। अब आते हैं शांतिनाथ। इनके जो प्रमाण मिले हैं भाटागुड़ा बस्तर शांतिनाथ का मंदिर वहां पे स्थित है, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। तो इसमें तीर्थकार जो है पार्श्वनाथ, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, इनका साक्ष्य जो इनका मंदिर है वो बहुत ही प्रसिद्ध है नगपुरा। वर्तमान में ये दुर्ग जिले में स्थित है, भिलाई के पास ही है। ये जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनका यहाँ पे मंदिर है और बहुत स्कूल भी लगता है वहां पे, बहुत बढ़िया है। उनका जैन धर्म का जो भी है दीक्षा लेते हैं, क्या क्या उनका जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी वहां पे आयोजित किए जाते हैं। तो ये मोस्ट टाइम है और ये बहुत ही बढ़िया पर्यटन के स्थल के रूप में भी इसको सरकार द्वारा यहाँ पे अभी विकसित किया जा रहा है। पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनका साक्ष्य हमको मिलता है नगपुरा दुर्ग में। अब आते हैं हम महावीर स्वामी की ओर। ये है 24वें अंतिम। महावीर स्वामी जो थे ये जो है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उसके बाद इस प्रथा को खत्म कर दिया गया था, उसके बाद से कोई भी तीर्थंकर इसमें और नहीं बनाए गए हैं, है ना। तो ये जो जैन धर्म है इनके महावीर स्वामी थे, इनके बारे में जो साक्ष्य हमको मिलते हैं आरंग से, और ये कहां पे है? रायपुर जिले में। भांडल देव, क्या बोला मैंने? भांडल देव मंदिर। इसीलिए आरंग को क्या कहा जाता है? मंदिरों का नगरी भी कहा जाता है। वहां पे बहुत सारे प्राचीन मंदिर, ये भांडल देव मंदिर जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, इसको याद रखिए। ये वर्तमान आरंग में स्थित है अभी भी, और
ये पुस्तक रमेंद्रनाथ मिश्र द्वारा लिखा गया दुर्लभ ऐतिहासिक स्रोत। इसमें प्रामाणिक जानकारी इसको मानते हैं क्योंकि ये राज्य सरकार का जो है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकादमी ये प्रामाणिक बुक है। और ऐसे बुक्स को ही सीजीपीएससी जब आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे तो इस तरह के बुक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। मार्केट में जो बुक्स मिलते हैं यहीं से वो लोग तथ्यों को लेकर छापते हैं, तो इसमें बहुत सारा छूट भी जाता है। लेकिन जब आप इस तरह के बुक्स को पढ़ना चालू करेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह कितना विस्तार है और कितना वेरिएशन हमको देखने मिलता है इन बुक्स में। और इसी जो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकादमी जो है इसके अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ समग्र एक पुस्तक आता है, उसका ओरिजिनल कापी तो अभी मिल नहीं रहा है, ये वाला जो है उसका फोटो कापी अभी मार्केट में मिल रहा है। तो ये ब्रिटिश नियंत्रण काल ये आप देख रहे हैं, इसमें संपूर्ण छत्तीसगढ़ को इतिहास को इसमें दर्शाया गया है। पुस्तक का नाम लिख लीजिए छत्तीसगढ़ समग्र, हिंदी राज्य छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा इसका प्रकाशन होता है। और छत्तीसगढ़ करते हैं तो अभी जो आप लोगों को मैं लिखवा रहा हूं ये वाला नोट से बनाया था मैंने, छत्तीसगढ़ का इतिहास राम कुमार बिहार, राइटर का नाम राम कुमार बिहार, हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास का बुक जिन्होंने लिखा है राम कुमार बिहार, उनके पुस्तक को प्रीफर किया था सीजीपीएससी प्री और मेंस के लिए। धर्म से प्रमुख हमको देखे हम लोग ये मोस्ट टाइम पे यहाँ से एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में इनके क्या क्या साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो जो नागपुरा है प्रमुख जैन धर्म स्थली है उसको याद रखिए, दुर्ग जिले में स्थित है, वहां से एक बार एक दो क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, नागपुरा को मत भूलना आप लोग, है ना, दुर्ग जिले में है। तो क्या है प्रमुख जैन धर्म का उनका स्थल है वो, और पर्यटन स्थल के रूप में भी सरकार उसको विकसित कर रहा है। अब आते हैं हम लोग महाजनपद, देखिए महाजनपद काल जो है ये भारतीय इतिहास के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसके पहले जो राजा महाराजा थे उन्होंने अपने जो अभिलेखित लेख थे जो उनके द्वारा लिखा गया था उसको संरक्षित नहीं करते थे, किंतु जब महाजनपद काल आया तो उस समय क्या हुआ कि महाजनपद काल में जो है व्यवस्थित होने लगा और जो राजा थे उस समय के तत्कालीन परिस्थितियों को अभिलेखों में संरक्षित करने लगे थे। तो इसी महाजनपद काल से जो है हमको एक व्यवस्थित इतिहास देखने को मिलता है। तो उस समय जो है महाजनपद काल के अंतर्गत जो है हमारे पूरे भारत में अखंड भारत को 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया था। उस समय अखंड भारत था, पूरे अखंड भारत को जो है 16 महाजनपदों में विभक्त किया गया था। ठीक है, और इस 16 महाजनपदों को जो है हम भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे और हमारे छत्तीसगढ़ क्यों इंपोर्टेंट है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो इन 16 महाजनपदों में जो है एक महाजनपद था चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपद, ठीक है। और जो हीरालाल शुक्ल जी हैं इतिहासकार हीरालाल शुक्ल, वो मानते हैं कि
हमारा छत्तीसगढ़ जो है दक्षिण कोसल वाला हिस्सा जो है, दक्षिण कोसल मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से थे। हीरालाल शुक्ला ये भी एक क्या है इतिहासकार थे। तो इनका मानना था कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है मतलब दक्षिण कोसल वाला हिस्सा है वह जो है चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता है, जिसके कारण इस क्षेत्र को चेदीसगढ़ कहा जाता था, चेदीसगढ़। और इसी चेदीसगढ़ से अपभ्रंश बन के बना है क्या छत्तीसगढ़, है ना। ये एक मान्यता जो मैंने तीन मान्यता बताया था कल पहले क्लास में हम लोग देखे, तो उनमें से एक ये था जब महाजनपद काल था पूरे भारत में, जब पूरे भारत को जो अखंड भारत को जो महाजनपदों में जब विभाजित विभक्त किया गया था तब क्या है एक महाजनपद था चेदी महाजनपद, जिसके अंतर्गत जो आता था हमारा छत्तीसगढ़, उस समय इस क्षेत्र को कहा जाता था चेदीसगढ़। और हीरालाल शुक्ल जी मानते हैं कि चेदीसगढ़ का जो अपभ्रंश बना वो बना क्या छत्तीसगढ़, है ना। लेकिन ये प्रामाणिक नहीं है, बाद में 36 किले वाला जो बताया था उसको ही प्रामाणिक माना जाता है, और उसको मानने वाले कौन थे, जे डी ब्लंट, उसको आगे पढ़ेंगे, उसका नाम भी लिखे, जे डी ब्लंट जो पहले अंग्रेज थे उन्होंने 18-18 किलों को हमारे छत्तीसगढ़ को विभाजित किया था। महाजनपद काल के अंतर्गत इतना ही, पूरे 16 महाजनपद है, इसको हम लोग भारतीय इतिहास जब प्रारंभ करेंगे जनपद में से प्रत्येक महाजनपद का अलग से अध्ययन करेंगे, उसके अंदर मगध से लेके उत्कल तक हो गया, उज्जैन वाला जो हो गया, मगध हो गया, इन सबको उसमें पढ़ेंगे। तो महाजनपद काल हमारे भारतीय इतिहास छत्तीसगढ़ इतिहास दोनों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहीं से ही हमको व्यवस्थित इतिहास देखने को मिलता है। उसके बाद से क्या हुआ, जो राजा लोग है अपने कार्यों को अभिलेखों में शिलालेखों में लिख कर रखने लगे थे। यह हो गया महाजनपद का मोस्ट एमपी। मौर्य काल महाजनपद के बाद जो आया मौर्य काल, मौर्य काल क्यों कहा जाता है इसको, जो मौर्य वंश थे कौन कौन है, सम्राट अशोक है ना, ये मौर्य वंश के मौर्य, तो कौन बना ली वहां को, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ संदर्भ में हम पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में, है ना। भारतीय इतिहास में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से इतिहास को हमको अच्छे से समझने के लिए मिलता है। मौर्य वंश जब हम पढ़ेंगे तो इनका विस्तार जो है बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक था। चंद्रगुप्त मौर्य इसके जो प्रथम शासक हुए कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और एक चंद्रगुप्त पढ़ेंगे जो गुप्त वंश वाले हैं, ये है चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के प्रमुख राजा थे, और उसके बाद आए सम्राट अशोक जो सबसे प्रतापी राजा थे, अफगानिस्तान से लेके पूरे भारत के दक्षिण हिस्से तक कुछ जो बचे थे मतलब तमिलनाडु वाला एरिया उसको छोड़कर पूरे भारत में उनका शासन था। मोस्ट टाइम भी पूरे भारतवर्ष के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो मौर्य काल का जो प्रभाव है हमारे छत्तीसगढ़ में किस तरह से रहा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहली चीज यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनका जो शासन काल था बंगाल की खाड़ी से लेके अरब सागर के और मध्य सागर तक इनका फैला हुआ था, मतलब पूरे भारत में ही इनका शासन में पहले हिंदू सम्राट थे प्रभावशाली हुए। हम तो मुगलों के बारे में पढ़ते हैं, है ना, उसके पहले ये वहां पे 100 सालों तक राज कर चुके थे जो मौर्य वंश था, मतलब इतने उनका शक्तिशाली था, उनका सैन्य बल उतना शक्तिशाली था। और इसी के समय ही जो अशोक थे सम्राट अशोक उनके समय भयंकर युद्ध हुआ था कलिंग युद्ध, जो उत्कल मतलब उड़ीसा को माना जाता है ना। तो ये मोस्ट टाइम भी है।
चंद्रगुप्त मौर्य थे ही, ये पूरा भारत में कब्जा किए थे, लेकिन इसके स्पष्ट प्रमाण हमको छत्तीसगढ़ में नहीं मिलते हैं। जो यात्री था कौन, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, चीनी यात्री हुएनसांग, चीनी यात्री हुएनसांग, इनकी जो प्रमुख पुस्तक थी सीयू की, उसमें जानकारी मिलता है कि क्योंकि जब हुएनसांग यहाँ पे आए थे उस समय नंद और मौर्य वंश हमारे भारत में थे, है ना, तो इसीलिए माना जाता है कि घनानंद को हराने के बाद मौर्य वंश की स्थापना की गई थी मगध में, तो उस समय हुएनसांग मानते हैं कि छत्तीसगढ़ वाला जो हिस्सा था, दक्षिण कोसल वाला हिस्सा था, उस समय मौर्यों के अधीन रहा होगा, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ का नक्शा आप देखे होंगे, हम लोग उड़ीसा से लगे हुए हैं, उड़ीसा के साथ हम लोगों की सीमा है और महाराष्ट्र के साथ भी है, किंतु ये जो मध्य वाला भाग था ये कॉरिडोर था उनके लिए, राजा एक रास्ते जैसा बना हुआ था हमारा छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा, तो छत्तीसगढ़ से प्रवेश करके दूसरे मतलब उत्कल को आए होंगे मगध से, और दूसरा कोई तो रास्ता नहीं है मगध से आने, मगध कहाँ है, बिहार में, और ये लोग लड़ने कहाँ गए थे, उड़ीसा, तो संभवतः ये क्या है कि छत्तीसगढ़ से होते हुए ये हमारे उड़ीसा को प्रवेश किए थे, तो उस समय कुछ समय के लिए माना जाता है कि मौर्य काल के प्रभाव में रहा होगा हमारा छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा, बाकी उसके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख हमको नहीं मिलता है, लेकिन हुएनसांग मानता है कि सम्राट अशोक जो थे, जब बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण किया अपने कलिंग युद्ध के पश्चात, जो है सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, सिरपुर है ना जो ऐतिहासिक नगरी है हमारी, यहाँ पे इन्होंने बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया होगा, ऐसी संभावना व्यक्त करते हैं कौन, हुएनसांग, लेकिन अभी तक तो नहीं मिले हैं, लेकिन हुएनसांग की जो रचना है यदि उसका उसकी भौगोलिक स्थिति को देखा जाता है तो ऐसे मानते हैं कि वो दक्षिण कोसल वाला हिस्सा था जहां पे सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध स्तूप का निर्माण किया गया है। तो मौर्यकालीन अभिलेख जो हमको मिलते हैं ये मोस्ट एम्पी है एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ से प्रश्न भी पूछे गए हैं क्या क्या अभिलेख हमको मिलते हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहली चीज है कि कल भी इसको पढ़े थे हम लोग, सीता बेगरा गुफा, सीता बेगरा गुफा में जो है यहां पे मोस्ट एम्पी है कि सीता बेगरा गुफा में जो है ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा मैं यहाँ पे अभिलेख हमको देखने को मिलते हैं गुफा के अंदर। तो ये सीता बेगरा गुफा कहाँ पे है, सरगुजा है ना, मोस्ट एम्पी तो है ना, और ये जो जिस पहाड़ में स्थित है रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी यहाँ पे है सीता बेगरा गुफा। रामगढ़ की पहाड़ी का संबंध किससे है, मेघदूत से भी है, क्योंकि यहाँ पे मेघदूत ने मेघदूत काव्य की रचना किसने की थी, कालिदास ने, एक साथ इसको भी देख लो इम्पोर्टेंट है ना। तो जो सीता बेगरा गुफा है यहाँ पे, क्योंकि जो अशोक था, अशोक के जो सम्राट अशोक के अभिलेख हम देखते हैं, तो सबसे पहली बार जो है इसको किसने पढ़ा था, जिम्स प्रिंसेप बोल के ब्रिटिश अधिकारी था है ना, उसने पहली बार अशोक के शिलालेखों को डिकोडिंग किया था, मतलब पढ़ के बताया था। तो उस समय की जो भाषा थी क्या थी, पाली लिपि नहीं है, पाली भाषा है, और लिपि क्या थी, ब्राह्मी लिपि। इसके प्रमाण हमको मिलते हैं सीता बेगरा गुफा में, और सीता बेगरा गुफा जो कहाँ पे है, रामगढ़ की पहाड़ी, और रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले। तीन चार क्वेश्चन बन रहे हैं, और इसी रामगढ़ की पहाड़ी में जो है मेघदूत की रचना किसने की थी, कालिदास ने की थी, और इसको जो है सीता बेगरा गुफा को जो है इसको विश्व की प्रथम
नाट्यशाला माना जाता है। प्रथम नाट्यशाला माना जाता है। उसको ओपन थिएटर कहा जाता है। मुक्त काशी रंगमंच कहा जाता है इसको हिंदी में। जो नाट्यशाला है ना सीता बेंगरा गुफा, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है। ओपन है थिएटर का, इसको मुक्त काशी रंगमंच भी कहा जाता है। ये है मौर्य काल से संबंधित, क्या है, सीता बेंगरा गुफा। इसको याद रखना है। पहला चीज, सीता बेंगरा गुफा किस जिले में स्थित है, सरगुजा जिले में स्थित है। इसके में जो लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा का उपयोग किया गया है। सीता बेंगरा गुफा कहाँ पे स्थित है, रामगढ़ की पहाड़ी में, और इसी रामगढ़ की पहाड़ी में जो है कालिदास ने अपनी रचना क्या की थी, मेघदूत की रचना की थी। और यह जो सीता बेंगरा गुफा है विश्व की प्रथम नाट्यशाला माना जाता है। ये तो हो गया सीता बेंगरा गुफा। अब इसकी खोज किन्होंने की है, ये तो मिल गया हमको, है ना। पहली बार इसको जो ढूंढने वाले थे, ये प्रश्न अभी किस एग्जाम में पूछा गया था, इसमें आप पदमान वाला ये क्वेश्चन अभी आया था, सीता बेंगरा की मतलब खोज किसने किया था बोल के। तो इसको देखो, याद दो नाम रखना, एक है कर्नल आउसले 1848, और दूसरे हैं डॉक्टर ब्लास 1904। ये दोनों प्रमुख व्यक्ति हैं जो इस सीता बेंगरा गुफा को इन्होंने खोज किया था। कर्नल आउसले 1848 और डॉक्टर ब्लास 1904। मतलब ढूंढने वाले थे कर्नल आउसले, 1848 में इन्होंने देखा इसको, किंतु पूरा अध्ययन डॉक्टर ब्लास ने किया था 1904 में, जब ये पुनः वहां पे गए थे। इन दोनों नामों को आप लोग याद रखना, कर्नल आउसले और डॉक्टर ब्लास। जेम्स प्रिंसेप, मतलब जितना भी उनके मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, धम्म कहा जाता है ना, धम्म, अशोक के धम्म, है ना। उनके उन्होंने किस तरह से शासन होना चाहिए किसी भी राज्य में, जो 13 उन्होंने लिखा था, 13 पॉइंट उसमें लिखे थे राज्य करने के लिए, उसको अशोक के धम्म कहा जाता है। उसको पहली बार डिकोडिंग किए थे जेम्स प्रिंसेप ने। पूरे भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है वो, ठीक है। ये तो हो गया सीता बेंगरा गुफा। इसको पहला गुफा हम लोग बोले सीता बेंगरा, अब आते हैं जोगी मारा गुफा, है ना, सरगुजा में। सीता बेंगरा, लखमण बेंगरा और जोगी मारा, इसको भूलना ही मत। सरगुजा जिला जोगी मारा गुफा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पे जो है, क्या है कुमाल है, किसका किसका है, सुतनुका, हाँ
हाँ सुष्मुका और देवदासी का उल्लेख हमको कहां पे मिलता है, जोगी महाराज गुफा में। ये मोस्ट एमपी है, इसको पूछा भी गया है। सुष्मुका देवदासी जो थी और इसका जो प्रेमी था कौन, देवदत्त। इन दोनों का जो है वर्णन मिलता है कहां पे, जोगी महाराज गुफा सरगुजा में। मोस्ट एमपी नर्तकी सुष्मुका देवदासी थी और उसका जो प्रेमी था देवदत्त, इन दोनों के बारे में वहां पे अभिलेख मिला है, मतलब आज भी वहां पे उसको लिख के रखा गया है। डॉक्टर संजय लंग बोल के बिलासपुर के साथ कलेक्टर हैं अभी, है ना, उनका एक बुक है उन्होंने इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है अपने बुक में। डॉक्टर संजय राइटर में बहुत अच्छा लिखता है हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में, और उनका जो प्रमुख पुस्तक है हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, उसमें इसमें मतलब उन्होंने पहली बार इसको लिखा था कि नर्तकी सुष्मुका और देवदासी और इसमें जोगी महाराज गुफा में, और इसको पढ़ने वाले कौन थे, डॉक्टर संतलाल कटारी। मोस्ट टाइम की डॉक्टर संतलाल कटारे, इन्होंने सर्वप्रथम इनके बारे में क्या लिखा गया है, उनके प्रेम संबंध के बारे में क्या लिखा गया है, उसको इन तीनों ने पढ़ा था, संतलाल कटारे ने, दोनों मोस्ट टाइम की। तीन क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। पहला जोगी महाराज गुफा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, किस जिले में स्थित है। दूसरा देवदत्त मतलब इनका वर्णन किस काल से संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित है ना, कहां किस गुफा प्राप्त हुए हैं, जोगी महाराज गुफा में। और यहां पे जो लिखा गया था ब्राह्मी और पाली लिपि में उस समय भी, तो इसका अध्ययन किसने किया था, संतलाल कटारे ने किया था, मोस्ट आईएमपी। और यहीं पे सम्राट अशोक का एक लाट प्राप्त हुआ है सरगुजा रामगढ़ की, उसको शायद अभी घासीदास संग्रहालय में रखा गया, वो भी बाकी यहाँ पे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, इसको याद रखना। जोगी महाराज गुफा सरगुजा जिला, देवदासी सुष्मुका वाला जो है उनका प्रेम का वर्णन वाला कहाँ पे है, जोगी महाराज गुफा में, और इसका अध्ययन कौन किए थे, डॉक्टर संतलाल कटारे, मोस्ट आईएमपी। ठीक, ये क्या हुए, जो शिलालेख जो पत्थरों में लिखे गए थे उसके बारे में हम पढ़े। तो उस समय का जो प्रचलन था किसी भी राजा का या भी किसी भी राज्य का उसका संबंधी उनके सिक्कों से पता चलता है, कि मतलब वो जो राजा थे अपने समय में किस तरह से सिक्कों का प्रचलन करते थे अपने राज्य में, उससे उनकी समृद्धि का पता चलता है। तो मौर्य काल के जो सिक्के हमारे छत्तीसगढ़ से कहां कहां से प्रचार हुआ है, मतलब कहां कहां से मिला है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। और यहां से कई बार प्रश्न भी पूछे गए हैं। मौर्यकालीन आहत सिक्के, आहत सिक्के मतलब जो मतलब क्या बोलना चाहिए, खराब हो चुके हैं, मतलब स्पष्ट नहीं थे, है ना, मतलब टूट फूट वाला ऐसे मिलते हैं, उनको कहा जाता है आहत सिक्के। तो किनके किनके सिक्के हमको हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं ये थोड़ा देखते हैं। अकलतरा आता है, मौर्यकालीन आहत सिक्के मिले हैं कहां पे, अकलतरा ठठारी, ये है जांजगीर चांपा में, अकलतरा और ठठारी, है ना, यहाँ पे मौर्यकालीन आहत सिक्के मिले हैं। ठठारी को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था 2017-18 के पीएससी प्री में, है ना, मौर्यकालीन आहत सिक्के निम्न में से किन स्थानों पर प्राप्त हुआ था बोलिए, तो उसमें ठठारी का ऑप्शन सिर्फ दिया था, अकलतरा नहीं दिया था। यदि अकलतरा दिया होता तो बहुत दोनों ऐसे दिए रहता, लेकिन एक ही दिया था तो ठठारी को आंसर लिया था। अकलतरा और ठठारी में जो है मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। गांव
और ये है रायगढ़ जिले में स्थित। तारापुर रायगढ़ यहां पे भी मिला है। देखो अकलतरा खटारी यहां पे सर्वाधिक सिक्के मिले हैं, 259 सिक्के चांदी के मिले हैं अकलतरा से और 253 खटारी से चांदी के सिक्के मिले हैं। और इसका संबंध किससे है? मौर्य काल से है ना। और तारापुर और बाड़गांव यहां पे भी 15-15-20 सिक्के मिले हैं। एक आते हैं जो इतिहासकार है प्रमुख रमेंद्रनाथ मिश्र, इनका नाम नोट कर लीजिए और इनका पुस्तक भी हम लोग एक दिन पढ़ेंगे, उसका भी कवर करूंगा। इनका जो एक बुक है उनका बुक है मेरे पास, थोड़ा देखना पड़ेगा, रमेंद्रनाथ मिश्र है ना। तो इनके जो है लगभग 1969-70 में ये आरंग में कुछ सिक्के इनको मिले थे जो कि गोंडगल श्रेणी के माने जाते हैं। मोस्ट टाइम भी गोंडगल श्रेणी के, गोंडगल हमको रायपुर के आरंग से प्राप्त हुए हैं 1969-70 में। ये कौन इसका खोज किए थे? रमेंद्र नाथ मिश्र, मोस्ट टाइम भी गुजरात फाटक बोलते हैं आरंगा, हाँ उसके आसपास के जो ऐतिहासिक जगह है वहां पे इन्होंने इसको खोज कर निकाला था 1969-70 में। मौर्य काल में इतना ही। यह है मौर्य काल से हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या प्रभाव थे। मौर्य काल के पतन के बाद भारत में आया कौन सा वंश? सातवाहन। देखिए अभी जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं ये जितने भी आपको वंशों के बारे में बता रहा हूं ये सब भारतीय इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके क्या प्रभाव थे हमारे छत्तीसगढ़ में उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं है ना। पूरा सातवाहन वंश को नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये भी दक्षिण भारत का, इनको दक्षिणापक स्वामी कहा जाता था कि दक्षिण भारत में इनका, लेकिन हम लोग क्या थे? मध्य भारत वाले थे, मध्य प्रदेश है ना। तो हमको उत्तर भारत वाले भी पीट पाट के चले जाते थे और दक्षिण भारत भी पीट पाट के चले जाते थे। तो हम कभी मौर्य काल के साथ थे, कभी गुप्त वंश के साथ थे, मतलब जो आया उसके साथ मिल ले, इसीलिए भारी विविधता है। और दक्षिण बस्तर जब हम घुसेंगे ना तो वहां पे तो वाकाटा का वंश सब वंशों के साथ मिलेंगे, तो ऐसा मेल मिलाप हुआ था। तो ये जो सातवाहन वंश है ये प्रमुख रूप से कहां था? दक्षिण भारत का प्रमुख राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी, मोस्ट टाइम भी पिक्चर भी देखे होंगे है ना। तो ये जो राजा थे तो उनका क्या प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में था उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं है ना। तो ज्यादा नहीं है इनके वंशों के बारे में, उनका सिर्फ प्रभाव हमको देखने के लिए मिलता है। जब हम छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय राजवंश है उसको जब पढ़ेंगे तब हमको पता चला कि वो जो स्थानीय राजवंश थे जो बड़े बड़े महाराजा थे उनसे क्या संबंध थे, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन क्या है कि मौर्य वंश जो है हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ा राजवंश मानते हैं हम लोग है ना। मतलब फिर सातवाहन वंश, ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था, तो उनका जो है सीजीपीएससी उनसे संबंध रख के प्रश्न पूछता है
कि उनका क्या प्रभाव हमारे साथ, प्री मेंस दोनों में, मेंस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि सातवाहन वंश के क्या क्या साक्ष्य आपको छत्तीसगढ़ में प्राप्त हो, वहां लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव तो होता नहीं है मेंस में, मुख्य परीक्षा में, तो इसीलिए मोस्ट एमपी है ये, है ना। तो सातवाहन वंश जो है हमारे पूरे भारत के लिए मोस्ट एमपी था। तो इनकी जो राजधानी थी प्रतिष्ठान, हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं थी ये वाला हिस्सा था हमारा प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र के आसपास वाला क्षेत्र है वहां पे इनकी राजधानी थी सातवाहन वंशों की प्रतिष्ठान। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी राज्य का, किसी भी वंश का जो उसकी समृद्धि का हमको किससे पता चलता है, उनके सिक्कों से, उनके द्वारा निर्मित जो साहित्य है उससे पता चलता है, और उनके द्वारा जो मंदिर भवन निर्माण करते हैं इससे हमको उस राज्य की समृद्धि के बारे में पता चलता है। तो उस समय जो है सातवाहन वंश भी एक समृद्धशाली वंश रहा हमारे पूरे भारत में, और बहुत अच्छा उन्होंने शासन किया और बहुत सारे नियम भी फॉलो कराए, तो जो आज भी प्रचलित है दक्षिण भारत से जो सिक्के हमको मिलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में भी उनका प्रभाव रहा होगा, क्योंकि इस वंश से संबंधित जो सिक्के हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे हिस्सों में भी पाए जाते हैं। तो जिसमें है प्रमुख है बालपुर, इसको याद रखिए बालपुर, ये भी है रायगढ़ में, रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है एक गांव बालपुर, और बंशीधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे जो साहित्यकार हैं उनका जन्म स्थली है ये बालपुर, है ना। तो ये बालपुर जो है ये महानदी घाटी के किनारे अवस्थित है, और यहाँ पे जो है सातवाहन वंश के जो सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इनके सिक्कों में जो था हाथी चिन्ह वाले चार वर्गाकार सिक्के, मतलब हाथी के चिन्ह वर्गाकार चौकोन आकृति में प्राप्त हुए हैं इस तरह के, और यहाँ पे हाथी के चिन्ह रहते थे जो कि सातवाहन वंश से संबंधित थे। तो ये सिक्के हमको मिले हैं बालपुर रायगढ़ से, मोस्ट एमपी सातवाहन वंश के सिक्के राज्य के या छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो उसका डायरेक्ट आंसर होगा बालपुर या फिर रायगढ़। जिला पूछ दिया तो रायगढ़, यदि डायरेक्ट प्लेस पूछता है या फिर स्थान पूछता है तो क्या होगा वो बालपुर, इसको याद रखिए, है ना। अब आते हैं दूसरा मल्हार, मल्हार कहाँ पे है, बिलासपुर, बिलासपुर के आसपास वाला भी क्षेत्र बहुत ही समृद्धशाली इतिहास रहा है इनका। यहाँ पे आते हैं हम लोग बिलासपुर मल्हार, मल्हार बिलासपुर इसलिए लिखा हूं मैं कि एक राजा था सातवाहन वंश का अपिलक, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, कई बार आया है ये अपिलक, है ना। अपिलक की जो मुद्रा है कहां पे मिला है, मल्हार में, मोस्ट टाइम की, है ना। तो जब अपिलक की मुद्रा मल्हार से प्राप्त हुआ तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो इतिहासकार थे वो यह मानने लगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी सातवाहन वंश का प्रभाव रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग मध्य भारत वाले हैं, बीच वाले हैं, कभी दक्षिण के साथ भी हमारा संबंध अच्छा रहा तो कभी उत्तर भारत के साथ भी, है ना। तो उसके जब प्रभाव मतलब आते थे तो कभी कभी जो उत्तर जो राजा था अनंग पाल हो गए और क्या क्या जो राजा थे तो उनसे भी संबंध, खारवेल उसके शासन काल में भी हम लोग थे यहाँ, मतलब उसका भी प्रभाव था, जो राजा खारवेल था हाथी गुफा जिसने बनाया है भुवनेश्वर के आसपास, तो उसका भी प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में था। तो ये सातवाहन वंश भी जो है अपिलक जो कि सातवाहन वंश से संबंधित रखता था उसका हमको सिक्का मिला है कहाँ, मल्हार बिलासपुर से, मोस्ट टाइम ये पूछा गया है, व्यापम में भी पूछा है और छत्तीसगढ़ में भी पीएससी में भी इसको पूछा जा चुका है। अब देखिए
फिर से आगे हम लोग गुंजी, ये कहाँ पे है, राजनांद जांजगीर चांपा है ना, तो यहाँ पे मिला है एक शिलालेख। शिलालेख मतलब शिल मतलब पत्थर है ना, पत्थरों पे ऊपर में जो लिखते हैं खोद खोद के उनको हम क्या कहते हैं, शिलालेख। तो गुंजी में एक शिलालेख मिला है, उसका संबंध जो है गुंजी जो कि जांजगीर चांपा में है, यहाँ पे एक शिलालेख मिला है जिसका संबंध, उसमें जो लिखा गया है राजा वरदत्त श्री, जिसने इस शिलालेख को बनाया था उसका नाम क्या था, राजा वरदत्त श्री, मतलब उस समय का शासक था राजा वरदत्त श्री, इसका शिलालेख मिला है गुंजी से। और इसका जो संबंध था किस वंश से था, सातवाहन वंश से, मोस्ट एमपी है ना। और इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण सातवाहन वंश का जो है एक गांव है किरारी, किरारी यहां पे एक काष्ठ स्तंभ मिला है, इसको वर्तमान में जो है गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर में सुरक्षित रखा गया है। किरारी का काष्ठ स्तंभ कहा जाता है इसको, और इसका जो संबंध किया है सातवाहन काल से। जांजगीर चांपा 1921 में ये प्राप्त हुआ था, इसको इतिहासकारों द्वारा 1921 में प्राप्त किया गया था। आज भी इसको जो है किरारी का काष्ठ स्तंभ जो है गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर में इसको सुरक्षित करके रखा गया है। अब देखो क्वेश्चन एक बार पूछा था गुरु घासीदास संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, बहुत सारे बच्चे जो थे बिलासपुर, क्या है कि बिलासपुर में क्या है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं और बहुत लोग बिलासपुर और नहीं देखते हैं ना, गुरु घासीदास देखे मतलब बिलासपुर ही दिमाग में आ जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। और कल जैसे बात किए सबरी मंदिर वाला, सेम वही सिचुएशन यहाँ पे भी हुआ था। तो गुरु घासीदास संग्रहालय को याद करना रायपुर, और गुरु घासीदास एकमात्र हमारा क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बिलासपुर, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। तो किरारी का काष्ठ स्तंभ जो है कहां पे अभी सुरक्षित रखा गया है, गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर में है ना। ठीक, ये तो है सातवाहन वंश से संबंधित और बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग भी है और इसको जानना भी जरूरी है। यहाँ से शायद अभी तक 4-5 क्वेश्चन बन चुके हैं जो अभी तक पूछे भी जा चुके हैं, और तिलक की मुद्रा भी पूछे हैं, किरारी का काष्ठ स्तंभ भी पूछा गया है। तो सातवाहन वंश से संबंधित ये वाले मोस्ट एमपी। और एक चीज है कि सातवाहन वंश के जो राजा थे ये मुख्यतः वैष्णव धर्म और शैव धर्म के उपासक थे है ना,
विष्णु देव को मानते थे। तो हमारा बूढ़ी खार है बिलासपुर के पास, वहां पे विष्णु की कुछ मूर्तियां मिली हैं, तो जिसको मानते हैं कि वहां पे भी सातवाहन वंश का प्रभाव था। तो इसमें जो है मुख्य बात कि दक्षिण कौशल की जो राजधानी थी सिरपुर उस समय, है ना, सिरपुर, ये वाला सिरपुर दक्षिण कौशल की राजधानी माना जाता था। तो जो मैंने बोला था नागार्जुन वाला बात, है ना, तो सातवाहन वंश का कोई एक राजा था जो है नागार्जुन के लिए एक बहुत बड़ा संघाराम, मतलब 5 मंजिला इमारत बनाया था। भले आज नहीं है वहां पे, लेकिन नागार्जुन गुफा आज भी स्थित है। तो ये माना जाता है कि सातवाहन वंश के जो राजा थे उन्होंने नागार्जुन के लिए उस वह व्यवस्था की थी जो कि वर्तमान सिरपुर में स्थित है, ये मोस्ट एमपी। और इस समय जो है सातवाहन वंश के जो राजा थे उनके संबंध रोम के राजाओं के साथ थे, रोम है ना, उनके साथ थे, और उनसे व्यापारिक संबंध होने की वजह से जो है बिलासपुर के चक्रवेरा में एक रोमन सिक्के मिला है, मोस्ट एमपी चक्रवेरा एकमात्र स्थान। बिलासपुर यहां पर मिला है रोमन सिक्का, ये भी मोस्ट एमपी है, एकमात्र है। तो क्या है कि सातवाहन वंश के जो राजा थे उनके व्यापारिक संबंध रहे हैं रोम के साथ, तो शायद एकाध छिटक के हमारे छत्तीसगढ़ भी आ गया है, वैसे मिला है यहाँ पे चक्रवेड़ा में एक ही सिक्का मिला है बिलासपुर में, रोमन सिक्का, और ये भी सातवाहन वंश से संबंधित माना जाता है, ये मोस्ट एमपी। इसको भी प्रश्न आते रहते हैं, यहाँ से पूछे गए हैं, चक्रवेड़ा एकमात्र जहाँ पे रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक हो गया, नोट डाउन। देखो ये जितना वंश पढ़ा रहा हूं मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, ये सब भारत में शासन करने वाले राजवंश है हमारे देश में, है ना, तो उनका हमारे छत्तीसगढ़ के क्या संबंध है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनका पूरा इतिहास हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। ये जो कुषाण है ये भी विदेशी आक्रांता थे, मतलब बाहर से आके हमारे भारत में आक्रमण करने के बाद इन्होंने बहुत लंबे समय तक भी इन्होंने शासन किया था, हाँ, कुषाण वंश। और भारतीय संस्कृति के साथ मेल मिलाप होने के बाद यहाँ के संस्कृति को भी वो लोग अपना चुके थे, है ना। एक्चुअल में जो कुषाण वंश है वो दूसरे विदेशी थे, हमारे यहाँ के स्थानीय मूल निवासी नहीं थे, है ना। तो कुषाण वंश जो है इनके कोई ऐतिहासिक स्रोत हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है, किंतु जो इस वंश के जो तांबे के सिक्के हैं हमको बिलासपुर से प्राप्त हुआ है, लेकिन उनके शासन का स्पष्ट प्रमाण हमको नहीं मिला। ये सिक्कों की बात है, सिक्कों को याद रखना। तो इस वंश के जो तांबे के सिक्के हैं बिलासपुर से, हो सकता है कि उस समय के राजाओं के साथ इनको अच्छे संबंध होंगे या शासन नहीं भी किए होंगे और किए भी होंगे, कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। लेकिन तांबे के सिक्के जो कुषाण वंश में प्रचलित थे उन सिक्कों को प्राप्त किया गया है बिलासपुर जिले में, है ना, इनके स्थानों पर बिखरे मिले थे। तो माना जाता है कि कुषाण वंश का भी प्रभाव रहा, हो सकता है यहाँ के जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय राजा थे उनके साथ अच्छा व्यापारिक संबंध भी होगा, इसीलिए लेन देन चल रहा होगा तो उनके सिक्के यहाँ आए हैं और हमारे यहाँ के जो लोकल सिक्के होंगे वो लेके गए होंगे, है ना। तो तांबे के सिक्के बिलासपुर से मिले जो कि कुषाण वंश से संबंधित है, और इस वंश का एकमात्र स्वर्ण का सिक्का मिला है, कुषाण वंश का जो एकमात्र स्वर्ण सिक्का मिला हमको केलीकोटा से, ये भी कहां पे है, केलीकोटा वर्तमान में रायगढ़ जिले में। तो दो चीजें इसमें मोस्ट एमपी है,
एक है तांबे का सिक्का बिलासपुर से और दूसरा है स्वर्ण सिक्का तेलीकोटा, मतलब कुशाण वंश से संबंधित स्वर्ण सिक्के कहां में आप प्राप्त हुए हैं, तेलीकोटा रायगढ़ से। ठीक, और एक वंश के बारे में उल्लेख किया गया है मेघ वंश के बारे में, उसके बारे में भी हमारे छत्तीसगढ़ में कोई मतलब जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन दो राजा थे, एक थे शिवमेघ और एक है यमेघ बोल के, इन दोनों के बारे में लिखा गया है पुराणों में, लेकिन उनका कोई स्पष्ट प्रमाण हमको यहाँ पे नहीं मिलता। ठीक, तो आज तो ये भारतीय इतिहास वाले सब खत्म हो गए। ठीक है, आज इतने में ही खत्म करते हैं हमारा क्लास। क्या है कि अभी जो हम पढ़ रहे थे वो भारत से संबंधित राजवंश थे, और इसके बाद क्या है हम लोग कल से जो है स्थानीय राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, सर्वपुरी राजवंश, वाकाटक वंश हमारे छत्तीसगढ़ में है ना, राज ऋषि तुल्य कुल्य वंश और ये कलचुरी वंश, ये सब क्या हमारे लोकल जो छत्तीसगढ़ में राज्य किए थे, आज उसको पढ़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा है ना। कल के सेशन में हम पूरा हमारा जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो मुख्य बातें हैं, मतलब यहाँ के जो लोकल राजा थे किस तरह से यहाँ शासन किए, कल से उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कितना रिवीजन हमारे बाबू, चलो ठीक है फिर है ना।